नमस्कार। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऑडियो को बड़ी तेजी से वायरल किया जा रहा है। इस ऑडियो में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी सहारनपुर जिलाध्यक्ष रुद्रसेन चौधरी के बीच बातचीत का दावा किया गया है। इस ऑडियो के मुताबिक इमरान मसूद इस बात का दावा कर रही है कि यूपी में इस बार बीजेपी को 225 से ज्यादा सीटें आ रही हैं, तो वही समाजवादी पार्टी को गिर पड़कर 150 सीटें आएंगी। इमरान मसूद कथित रूप से इस ऑडियो में कह रही हैं कि इस बार कांग्रेस का यूपी में सुपड़ा ही साफ हो जाएगा। समाजवादी पार्टी को मिलेगी 150 सीट, भाजपा को मिलेगी 225 सीट, कांग्रेस को मिलेगी 0 सीट, 0 बहुजन समाज पार्टी को मिलेगी 20-25 सीट पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर, सरकार फिर भाजपा की बनेगी। रुद्र भाई, जो समीकरण है वो जब तक नहीं बनेंगे तब तक कोई भी अलायंस गठबंधन, आपकी जो हवा बनी थी गठबंधन के नाम पे बन गई थी। चौधरी अजीत सिंह क्यों हार गए, जयंत चौधरी क्यों हार गए, दलित और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन ही वहां इतना मजबूत हो जाता, वो क्यों हार गए भाई साहब? चूंकि उनके रिएक्शन में सारा हिंदू इकट्ठा हो गया। और ये ठगों की जमात है, इस वक्त आपका मुकाबला किसी पॉलिटिकल आदमी से नहीं हो रहा, ठगों से हो रहा है, ठगों से, ये राजनीतिक ठग हैं। इमरान मसूद इस ऑडियो में सपा जिलाध्यक्ष रुद्र प्रताप को ये समझा रहे हैं कि बीजेपी का कैसे इलाज किया जाना चाहिए। इस कथित ऑडियो में वो ममता बनर्जी की जमकर तारीफ कर रही है, जबकि अखिलेश यादव को बैकफुट पर रहने वाला नेता बता रही है। इनके साथ जो इलाज इनका ममता बनर्जी ने किया ना, इनका वो इलाज होना चाहिए। वो फ्रंट फुट पे खेल रही है, अखिलेश यादव में दम है फ्रंट फुट पे खेलने का? क्या बात कर रहे हैं आप, वेरी सवाल ही नहीं भाई साहब। ममता बनर्जी उस दिन से फ्रंट फुट पे खेल रही, सवाल ही नहीं भाई साहब, कोई मतलब ही नहीं। कोई ना अखिलेश में दम है ना मायावती में दम है, फ्रंट फुट पे खेलने का किसी नेता में दम नहीं है। हमारी हमारी या तो राहुल गांधी में फ्रंट फुट पे मोदी के साथ खेल ले, या ममता में, बताओ मुझे किसमें दम है इतना खेलने का। भाई जी ये तो चीजें बहुत छोटी है, चुनाव उनाव तो बहुत छोटी है भाई साहब, पहले दिन से दिखाई देता है, पहले दिन से दिखाई देता है, नहीं खेल रहे ना, खेल पानेंगे ना, खेल रहे ना खेल पानेंगे, क्योंकि उनका टेम्परामेंट ही नहीं है, वो टेम्परामेंट ही नहीं है। मुलायम सिंह भी होते होते फ्रंट फुट के ऊपर, वो होते फ्रंट फुट के ऊपर, अखिलेश जी का टेम्परामेंट नहीं, अखिलेश जी का वो टेम्परामेंट नहीं है। आप बताओ पूरे पूरे इसके अंदर सारा इतना चल रहा है, अखिलेश जी कहीं फील्ड में आए, कहीं फील्ड में आए हो, ये मत बात करो कि आप जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी को, मैं कांग्रेस का नेता हूँ, ईमानदारी की बात करो, नहीं आए भाई साहब। और ममता बनर्जी का कोई तोड़ नहीं है। इस कथित ऑडियो में इमरान मसूद ने ममता बनर्जी से तुलना करते हुए यूपी चुनाव का सारा गुणागणित समझा दिया है। कांग्रेस ममता बनर्जी के यहाँ 34% मुस्लिम है, वेस्ट बंगाल में 34% मुस्लिम है, और एआईएम ने अपनी ऐसी तेजी करा ली, वहां का एक सज्जादा नशीन है सिद्दीकी, उसका अलायंस भी कांग्रेस के साथ हो गया, सबको धूल चटा दी, धरती में मिला दिए, जमीन में मिला दिए सबको, कारण ममता बनर्जी के साथ बंगाली हिंदू खड़ा था भाई साहब, बिना हिंदू के कोई काम नहीं छोड़ने का। हाँ, बंगाली ब्राह्मण करा था उसके साथ और मजबूती के साथ करा था, मतलब धूल चटा, और मुसलमान ने ब्लॉक वोट डाला ममता को, साला कांग्रेस की 44 सीटें थी, 0 पे लाके खड़ा कर दिया कांग्रेस को, और साली ये पार्टी है, टीएमसी अलायंस करना चाह रही कांग्रेस के साथ, अधीर रंजन चौधरी जोकर, राहुल गांधी सारी कंपनी चूतिया हो गई है, अधीर रंजन चौधरी साला जोकर, वो अड़ गया कि नहीं अलायंस नहीं करेंगे, जमीन में लगे साले की औकात पता लग गई, औकात पता लग गई, कहां खड़ा कहानी साला, वहां जाके आसाम के अंदर समझौता कर लिया उनके साथ, ये बदरुद्दीन अजमल के साथ, बदरुद्दीन अजमल की 16 सीटें पिछले 15 साल से आ रही, 16-18 उसकी उतनी आनी थी, उसको आप अलायंस से बाद में लेते, प्रियंका गांधी ने मना करा कि मत करो, सालों ने अलायंस में लिया, अलायंस का देखा वो अपर आसाम का सारा हिंदू सरकार, जब तक हिंदू वोट नहीं चलेगा भाई साहब,
तब तक कैसे आप सर्वाइव करोगे? कोई तरीका नहीं आपके सर्वाइवल का, कोई भी तरीका नहीं है। 2012 में अगर सरकार बन गई थी तो 2012 में सरकार बनने का सबसे बड़ा कारण था कि मोदी नहीं था, आज मोदी है। आज हिंदुत्व का फैक्टर बहुत मजबूत है, उसकी काट के लिए आप तो जरूरी है, आपको हिंदुत्व की काट चाहिए, इसके बिना खड़ा नहीं होगा किसी भी कीमत पे। अब आप खबरें देखते रहिए, मैं लिखते के देखे जा रहा, 150 सीट से अगर ऊपर आ गई राजनीति छोड़ दूंगा, अगर 150 सीट से ऊपर आ गई इन परिस्थितियों में। मैंने आपको सीट का समीकरण बता दिया, मैंने आपको 225 सीट मिलेंगी भाजपा को, और आपको 150, आपको 150 सीट मिलेंगी भाई साहब। नहीं जुड़ रहा भाई साहब। 6 मिनट के इस वायरल ऑडियो में इमरान मसूद ने यूपी के आगामी विधानसभा के लिए हिंदू मुस्लिम ब्राह्मण दलित सभी समीकरण गिना दिए। वो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष के सामने अखिलेश को कमजोर नेता बता रही है। इस कथित ऑडियो में इमरान मसूद कह रहे हैं कि मोदी योगी के फेस के सामने अखिलेश यादव कहीं नहीं टिकते। समाजवादी के पास अखिलेश के अलावा कोई चेहरा नहीं है जिसके बलबूते वो विधानसभा चुनाव लड़ सके। तक आप नहीं जुड़ रहा, आपके आपके पास कोई हिंदू का फेस ही नहीं है, आपके पास अखिलेश के अलावा कोई फेस ही नहीं है। अरे भाई साहब ऐसी बातें कर रहे हैं, वो जमाने चले गए, इंदिरा गांधी के नाम पे वोट पड़ता था, वो जमाने चले गए भाई साहब, वो जमाने नहीं रहे। अब आपको फेसेस चाहिए, इंदिरा जी के जमाने में भी फेस चलते थे। तो 7% यादव है, आप क्या करोगे 7% में? 7% यादव है भाई साहब, 7% यादव है सिर्फ उत्तर प्रदेश, क्या करोगे आप अकेले यादव से? अकेले यादव से थोड़ी, जो आपकी ताकत होती थी मुलायम सिंह यादव की, वो सारी भाजपा हो गई। जो बैकवर्ड होता था वो सब भाजपा हो गई, आज की डेट में सब भाजपा है। मैं तो आपको ये बात तय कर रहा, मैं तो चाहता हूँ कि समीकरण ऐसे बनेंगे ठीक ठाक निकल का है। मैं झूठ बोलता है लाला उखाड़ाना, बड़ा गांव ऐसे भाई, एक मुसलमान उखाड़ना मुझे लाला हार गया। इमरान के इस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह से इमरान मसूद इस कथित ऑडियो में समाजवादी जिला अध्यक्ष से बात कर रही हैं, उससे यूपी विधानसभा चुनाव का ऊंट किस रुख बैठेगा इसका अंदाजा साफ साफ लग रहा है।